आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम फाइनली इस सीरीज को कंप्लीट कर देंगे। बनी गर्ल सेंपाई की एनिमी सीरीज को हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ये इसका लास्ट एपिसोड होने वाला है। एंड सच में यार आप लोगों ने काफी ज्यादा वेट किया, जिन्होंने यहाँ तक वेट किया उनके लिए तो तालियां बनती हैं मेरी इतनी लेट वीडियो डालने की। छोड़ो यार क्या ही कर सकते हैं। वैसे लोगों ने अभी तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा है तो यार क्या ही कर रहे हो, उसे जाकर जरूर से देखना, क्योंकि प्रीवियस एपिसोड के लास्ट में हमें पता चलता है जो काइडी की पुरानी मेमोरीज है वो वापस आ चुकी हैं। एंड साखटो भैया बहुत ज़्यादा ही मतलब शौक में पड़ गए थे। एंड ये वाला एपिसोड ठीक होने वाला है। एंड इसके बाद इस सीरीज की एक मूवी बचेगी, उसे भी हम जल्दी से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो यस मजा आने वाला है। अब किस बात की देरी है, चलो स्टार्ट करते हैं लास्ट एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। तो एपिसोड के स्टार्ट में देखते हैं, जो मायसान रहती है वो साखटो को फोन करती है। एंड उसके बाद वो उससे पूछते हैं कि क्या काइडे आज स्कूल गई है। तो साखटो बताता है कि काइडे आज स्कूल नहीं गई है। और उसके बाद वो बोलते हैं कि शायद काइडे की पुरानी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं। एंड मायसान बोलती हैं, साखटो तुम ठीक तो हो ना। तो उसके बाद साखटो बोलता है, मायसान मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं कि उसके डैड भी काफ़ी ज़्यादा सैड होते हैं, एंड खासकर साखटो, क्योंकि जो काइडे रहती है वो स्कूल जाने वाली रहती है। एंड ये सारी बात वो डैड को बताते हैं। एंड उसके बाद देखते हैं कि डैड भी उसके थोड़े से डिसअपॉइंट रहते हैं। एंड उसके बाद साखटो बोलता है कि काइडे तुम यहीं पर रहो, मैं थोड़ा सा टॉयलेट में होकर आ रहा हूँ। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो साखटो रहता है भाई टॉयलेट के अंदर जाता है। एंड टॉयलेट के अंदर थोड़ी जाता है यार, वो बाहर जाता है। एंड वो दौड़ के दौड़ते हुए उस हॉस्पिटल से निकलता है। एंड वो बहुत अजीब तरीके से पागलों की तरह रोते हुए बोलता है कि यार आखिर हो क्या रहा है। एंड उसके बाद वो बोलता है कि काइडे स्कूल जाने वाली थी, लेकिन आखिर ऐसा क्यों चल रहा है। एंड उसके बाद साखटो देखता है कि उसके सीने से खून निकलने लगता है। ऑफकोर्स यार ये बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल सीन था जिसको मैं शायद एक्सप्लेन सही से नहीं कर पाऊंगा। लेकिन उसके बाद दिखाया जाता है साखटो काफ़ी पेन में रहता है। एंड तभी सोको सैन आती हैं। एंड सोको सैन बोलती हैं कि चलो मैं तुम्हें घर पे छोड़ देती हूँ। एंड उसके बाद जो साखटो है यार वो पूरा डीमोटिवेटेड है। एंड उसके बाद सोको सैन बोलती हैं कि क्या मैं तुम्हारी पैंट भी निकाल दूँ। तो साखटो बोलता है मैं खुद निकाल लूँगा। एंड उसके बाद साखटो वो नहाने चला जाता है। एंड वो अपने आप पर काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फील करता है कि मैं कैसा भाई हूँ। तो उसके बाद जो सोको सैन रहती हैं वो बोलती हैं कि तुम सच में बहुत अच्छे भाई हो, तुमने अपनी बहन का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। तो साखटो बोलता है कि नहीं मैंने नहीं रखा। तो उसके बाद जो सोको सैन रहती हैं बोलती हैं हाँ तुम्हें थोड़ा उसे टाइम देना चाहिए था, बट तुमने जो उसके लिए किया है ना उतना शायद ही कोई भाई अपनी बहन के लिए कर पाए। एंड उसके बाद देखते हैं कि जो सोको सैन है वो काइडे की डायरी पढ़ती है। एंड फर्स्ट लाइन में लिखा रहता है मेरा नाम है काइडे एंड मुझे डायरी दिया है मेरे भाई साखटो ने। एंड उसके बाद वो बताती है कि मेरी एक मम्मी पापा भी हैं एंड मेरा एक भाई भी है। एंड उसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखा रहता है कि मेरे मॉम एंड डैड कहीं और रह रहे हैं एंड मैं अपने भाई के साथ कहीं और रह रही हूँ। भैया ने एक पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दिया है एंड उसकी मदद से उन्होंने अपनी फर्स्ट सैलरी से मंडा वाली सीडी को खरीदा, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड उसके बाद काइडे बोलती है कि भैया मेरे साथ मेरे घर पे नहीं रहते हैं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन ठीक है। एंड उसके बाद अगले पैराग्राफ में लिखा रहता है कि भैया की आज गर्लफ्रेंड बन चुकी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड उसके बाद देखते हैं कि भैया के और भी बहुत सारे दोस्त हैं एंड ये सब सोको सैन एक्सप्लेन कर रही है। एंड उसके बाद फिर अगले लाइन में काइडे ने लिखा है कि मैं किसी से फ़ोन कॉल पर बात करना चाहती हूँ, कि ऑफकोर्स यार वो मायसान के साथ बात करके अपनी मिशन को कम्प्लीट करती है। एंड उसके बाद अगला मिशन उसका रहता है घर से बाहर निकलना, जो कि वो अपने भैया की मदद से उसे कम्प्लीट कर पाती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि उसका अगला मिशन ऐसे ही कंप्लीट होते जाता है। एंड उसका फाइनल मिशन रहता है स्कूल जाना, जो कि वो अपने भैया की मदद से कंप्लीट कर लेती है। एंड उसके बाद वो लिखी रहती है कि मैं अपने भाई को बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ एंड मैं अब स्कूल जाऊंगी। एंड यही लिखते हुए बस यार ये लास्ट लाइन रहती है काइडे की डायरी की। एंड जो साखटो रहता है ये सब सुनने के बाद बहुत चिल्लाता है एंड वो सो जाता है। एंड उसके बाद जब साखटो सुबह उठ के देखता है तो सोको सैन ने एक लेटर लिख के छोड़ा रहता है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि तुम अपना ख्याल रखना और तुम ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ से जा रही हूँ सोको सैन। एंड उसके बाद देखते हैं कि मायसान ने काफ़ी ज़्यादा रात में फ़ोन किया था, लेकिन साखटो ने पिकअप नहीं किया क्योंकि वो जल्दी सो गया। एंड उसके बाद देखते हैं कि साखटो मायसान को फ़ोन करता है एंड मायसान फ़ोन को उठा लेती हैं। एंड उसके बाद मायसान बोलती हैं कि आखिर तुम अभी कैसे हो। तो साखटो बोलता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे थोड़ा सा माफ़ कर देना, मैं रात में थोड़ा जल्दी सो गया था। तो उसके बाद मायसान बोलती हैं कि साखटो अपना ख्याल रखना, मैं जल्दी तुमसे मिलने आ रही हूँ। तो उसके बाद साखटो बोलता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी शूटिंग पर ध्यान दो और हम रात में बात करते हैं। फिर अगले
सीन में काइडे रहती है, वो बोलती है कि भैया आप टॉयलेट में गए एंड उसके बाद तो आप मुझसे मिलने आए ही नहीं, आप अजीब खाना खाओगे तो ऑफकोर्स आपका पेट बिगड़ेगा ही। तो साकुटो बोलते हैं कि क्या तुम मेरे साथ पांडे देखने चलोगे? तो काइडे बोलती है कि क्या है भैया, आप मेरे साथ क्यों जाना चाहते हैं, आप अपनी गर्लफ्रेंड बना लो ना, आप उनके साथ जाओ। तो उसके बाद साकुटो बोलते हैं मेरे पास ऑलरेडी GF है। तो उसके बाद जो काइडे रहती है बोलती है सच में? तो उसके बाद साकुटो बोलता है मैं तुमसे उससे बाद में मिलवाऊंगा। एंड उसके बाद दिखाया जाता है जो माई साइन काफी ज्यादा चिंता में रहती है, तो उसकी जो मैनेजर रहती है वो बोलती है क्या हुआ आपके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ गलत हो चुका है? तो माई सन बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं है। एंड उसके बाद साकुटो फुताबा को सब बता देता है। तो फुताबा बोलती है कि एक गधा भाई जो अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता है उसकी मेमोरी वापस आ चुकी है। तो उसके बाद देखते हैं कि साकुटो पैंट में है एंड क्या ही बोले, माईसान आ जाती हैं। तो उसके बाद देखते हैं साकुटो बोलते हैं माईसान आप इतना जल्दी यहाँ पे क्यों आ गए? तो उसके बाद वो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। एंड उसके बाद बोलते हैं कि मैं चलो मैं ड्रेस पहन लेता हूँ। तो माईसान बोलती है मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कॉफ़ी बना देती हूँ। एंड तभी वो सोको सैन का वो मैसेज पढ़ लेती हैं एंड उसके बाद माईसान का दिमाग खराब हो जाता है। तो साकुटो बोलता है, साकुटो सब कुछ ईमानदारी से बोल देता है, बोलता है कि रात में सोको सैन आई थी, मैं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट था, सोको सैन ने मुझे मोटिवेट कर दिया। तो उसके बाद वो बोलते हैं हमने कुछ भी ऐसा वैसा नहीं किया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन माईसान को तो दुख हो चुका है ना। तो माईसान वहां से चली जाती है एंड साकुटो बोलते हैं यार माईसान अब मेरी बात सुनिए, लेकिन माईसान उसे घंटा भाव नहीं देती है, वो वहां से निकल लेती है। तो उसके बाद साकुटो भी यार कौन सा यार एटीट्यूड वाला बंदा है, वो भी बहुत ज्यादा अजीब तरीका बिहेव करता है। एंड उसके बाद दिखाया जाता है नोडोका आती है रात में एंड बोलती है कि तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, अपनी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी नहीं पता है तुम्हें। तो उसके बाद साकुटो बोलते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? तो उसके बाद नोडोका बताती है कि आज तुम्हारी माईसान का बर्थडे है। तो साकुटो बोलता है कि यहाँ से अभी ट्रेन आने वाली है ना रात में? तो उसके बाद नोडोका बताती है हाँ एक ट्रेन जाने वाली है। तो उसके बाद बोलते हैं कि ठीक है मैं निकलता हूँ माईसान से मिलने के लिए। तो नोडोका बोलते हैं कि जल्दी जाना, और उसके बाद देखते हैं जो साकुटो रहता है वो जल्दी जल्दी जाता है अपनी माईसान से मिलने। उसके बाद साकुटो काफी ज्यादा ढूंढता है एंड माईसान उन्हें मिल जाती है। तो उसके बाद देखते हैं कि माईसान बोलते हैं तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो उसके बाद देखते हैं कि वो लोग कार के अंदर है एंड उनके मैनेजर उनके लिए एक रूम बुक कर देते। एंड उसके बाद देखते हैं साकुटो बोलता है कि वेल सबसे पहले तो आपको हैप्पी बर्थडे। तो माईसान बोलते हैं कि तुम थोड़े से लेट हो। एंड उसके बाद देखते हैं कि साकुटो एंड माईसान वहाँ पर जाते हैं जहाँ पे हमेशा दो कपल्स जाते हैं। एंड आगे के सीन को मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप वीडियो क्लिप से देख लो। でした。いいのよもう。よくないです。ちゃんと謝らせてください。舞さんせっかく僕のこと心配して金沢から駆けつけてくれたのに。私もちゃんと謝らなきゃね。せっかく作田が会いに来てくれたんだから、素直にならないと。作田に誰かの支えが必要だったのはちゃんと分かってた。それが私じゃなかったのが、ちょっとショックだったの。だから昨日、じゃなくてもう一昨日だったわね、あんなこと言っちゃったんだと思う。サクタ、サクタが一番大変な時に一緒にいてあげられなくてごめんね。マイさんのそういう存在になりたいし。サクタ、何ですか？目閉じなさい。いてたたたた痛いってマイさん、てかなんで？だってサクタにとってこれが一番。तो उसके बाद यार क्या ही बोले, साकुटो की तड़प नहीं पूरी हो पाई यार मतलब। तो उसके बाद माईसान बोलती है कि रात हो चुकी है हमें चलना चाहिए। तो उसके बाद जो साकुटो रहता है बोलता है ठीक है। एंड उसके बाद अगले सीन में हमें काइडे को दिखाया जाता है जो कि स्कूल जाना चाहते। एंड उसके बाद वो बोलते हैं कि भैया मुझे अब बहुत ज़्यादा पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है एंड मुझे अभी मन कर रहा है स्कूल जाने का। तो साकुटो बोलते हैं कि वेल ठीक है अच्छी बात है यार। इसी के साथ बनी गर्ल सेंपाई का सीरीज खत्म हो जाता है। अगर आपको इस सीरीज में मजा आया है तो कमेंट जरूर से करना। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल यार मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इस सीरीज को कंप्लीट कर दिया है। मुझे कहीं कहीं पर लगता था कि यार मुझे इस सीरीज को ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि इस सीरीज के जो सीन्स थे यार उसे एक्सप्लेन करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। क्या ही बोले यार, मतलब ऐसे ऐसे सीन थे जो मतलब समझा करो यार, मैं पूरे डिटेल में बता दिया, मतलब उस सीन को भी मैंने बोल दिया जैसे वर्जिन वाला सीन, क्या ही मैंने बोल दिया यार।
क्या ही कर सकते हैं। वेल, इस मूवी की एक मूवी बची हुई है, उसे भी हम जल्दी से एक्सप्लेन करके कंप्लीट कर देंगे। एंड सच बता रहा हूँ, ये मूवी ना वन ऑफ द बेस्ट मूवी होने वाली है, क्योंकि ये मूवी आपको मतलब दिल छू जाएगी यार, ये बहुत अच्छी होने वाली मूवी। एंड इस मूवी में मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि इस मूवी में आपको सोको सैन एंड माई सैन के बीच में झगड़ा देखने को भी मिलने वाला है, मतलब मज़ा ही आ जाएगा आपको। वेल, हाँ यार, यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस सीरीज में मज़ा आया तो यार ज़रूर से लाइक कर देना, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया। यार स्टार्ट से एंड तक देख लिया, अब तो सब्सक्राइब कर दो, मूवी है कब देखोगे। तो हाँ यार, सब्सक्राइब तो कर देना, और इंस्टाग्राम पे भी हमें जरूर से फॉलो कर देना। अभी मैं फिलहाल काफी ज्यादा ही चीयर अप हूँ, पता नहीं क्यों, वेल हूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं यार। और कमेंट करके बताना कि आपको नेक्स्ट एनिमे किसके ऊपर चाहिए, मतलब किस टाइप की एनिमे चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कॉबॉय बेपॉप को एक्सप्लेन करूँ, बट व्यूज देख के तो मेरे को लगता है कि तुम लोग इंटरेस्ट नहीं हो उस एनिमे में, तो बता देना। हम स्टार्ट करने से मतलब स्टार्ट करूँ और कोई देखेगा ही नहीं तो क्या ही फायदा होगा। तो कमेंट करके जरूर से बताना कि आपको कौन सी एनिमे पसंद है जिसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड चलो यार, अभी मैं भी चलता हूँ, आप भी चलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।